नमस्कार, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी था महिषासुर और देवताओं के स्वामी थे इंद्रदेव। महिषासुर ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देख सभी देवी देवता चिंतित होकर त्रिदेवों के पास पहुँचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु के अधिकार उनसे छीन लिए हैं और देवगण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव क्रोधित हो उठे और क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी उनमें जाकर मिल गई। उस ऊर्जा से माँ भगवती अवतरित हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया और भगवान विष्णु ने भी उन्हें चक्र प्रदान किया और अन्य देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सजाया। इंद्र ने भी उन्हें अपना वज्र एवं हाथी प्रदान किया। सूर्य ने उन्हें अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया और युद्ध भूमि में माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और विजय हासिल करी। जय माता दी।